Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the Mughal Empire, which is a very important topic of history. So सबसे पहले हम start करेंगे बाबर से. So मुग़ल साम्राज्य हम जैसा कि जानते हैं कि 1526 से 1540 तक रहा और 1555 से लेके 1707 तक, वैसे तो ये 1857 तक है, लेकिन जो ज़्यादातर मेन माना जाता है मुग़ल साम्राज्य का जहाँ तक विस्तार हुआ वो 1707 तक हुआ, औरंगज़ेब के काल तक हुआ. तो इसमें बाबर का सबसे बड़ा योगदान था, जो उसने पहले उसको फाउंडेशन दिया, पूरा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की. तो बाबर का जो कार्यकाल था वो करीब 4 साल 5 साल का था, 1526 से लेकर 1530 तक. उसके पहले का बाबर का क्या इतिहास है वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उसके आगे चल रहे हैं. तो उसका जो जन्म हुआ था जो बर्थ था वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था, जो कि काबुल में हुआ था, फरगना की जगह पे. उनके पिता का नाम था उमर चांद मिर्जा और उनकी मदर थी नागर नगार, कहते हैं इनको नगार खानुम, ठीक है. और जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुग़लों की वो पर्शियन थी, हालांकि बाबर अपने आप को तुर्क मानता था और लगभग 5% बुक ही जो मुग़ल साम्राज्य की है वो तुर्की भाषा में है, नहीं तो ज़्यादातर पर्शियन भाषा में है. तो 5% जो बुक्स हैं वो मुग़ल सल्तनत की वो तुर्की में है, या इसको इंग्लिश में टर्किश बोलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर पर्शियन ही है. कुछ इम्पोर्टेंट बैटल रहे हैं इनके, तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बाबर भारत में कैसे आया. तो उसके पीछे कहानी है, कहानी कुछ ऐसी है कि जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली का लास्ट सुल्तान रहा, और उसका जो कज़न भाई था दौलत खान लोदी और उसके साथ साथ राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, और जो दौलत खान लोदी था वो लाहौर का सूबेदार था जिसे इब्राहिम लोदी ने नियुक्त किया था, लेकिन उसे लाहौर की सूबेदारी पसंद नहीं आई और वो चाहता था कि दिल्ली पे राज करे. तो दिल्ली पे राज करने के लिए उसने सोचा कि पहले इब्राहिम लोदी को हटाना पड़ेगा, तो वो खुद तो कर नहीं सकता था. तो उसने बाबर के बारे में बहुत सुन रखा था कि ये काफ़ी लूटपाट करता है और लूटपाट करके सबको मार के चला जाता है. तो उसने सोचा कि बाबर को बुलाते हैं, वो सारा कुछ दिल्ली से लूट के ले कर चला जाएगा, और जब सारा कुछ यहाँ से चला जाएगा तो फिर दिल्ली हमारी हो जाएगी. तो उस हिसाब से जो दौलत खान लोदी था उसके द्वारा इनविटेशन मिला उसको बाबर को, और बाबर तो इसी चीज़ की फिराक में रहता था, वो बचपन से ही लोगों पे शासन करने में उसको मज़ा आता था, तो वो बड़ा आनंद महसूस करता था शासन करने में, हमेशा एक शासक की तरह जिया. 14 साल की उम्र से ही वो काफ़ी उसकी एक बड़ी सेना वो जुटा लिया था. तो जब उसे मौका मिला तो वो तो उसी मौके की ताक में ही था, वो तुरंत अपनी सेना लेके आ गया और पानीपत में पहली लड़ाई हुई 20 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि दिल्ली का लास्ट सुल्तान था. और इस युद्ध में दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने उसका साथ दिया बाबर का, और फाइनली इब्राहिम लोदी मारा गया. और इस तरह से फिर सबको लगा कि वो चला जाएगा, लेकिन बाबर को वो जगह पसंद आ गई, फिर वो दिल्ली छोड़ के जा ही नहीं रहा था. और फिर उसने क्या किया कि अपना एक एम्पायर खड़ा किया. दूसरी लड़ाई उसकी जो इम्पोर्टेंट है वो खानवा की लड़ाई हुई, जो 1527 ईस्वी में हुई, वो राणा सांगा के साथ हुई. इसकी विजय के बाद उसने अपने आप को गाजी बना लिया, गाजी की उपाधि ले ली. उसके बाद एक महत्वपूर्ण लड़ाई और हुई चंदेरी मेंदनी राय के साथ, इसमें भी वो विजयी हुआ. घाघरा की लड़ाई हुई 1529 में अफगानी फोर्सेस के साथ, जो कि बंगाल और आपका बिहार से पूरे मिला के थे अफगानी फोर्सेस, उनके साथ लड़ाई हुई, उसमें भी वो जीता. और उसके जीतने में सबसे बड़े इम्पोर्टेंट जो निभाते थे उनके जो तोपची थे वो सबसे मेन भूमिका निभाते थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दो फेमस तोपची थे. तो अक्सर SSC या अदर एग्ज़ामों में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के समय में जो मेन तोपची थे उसके, जो मुख्य रूप से जो तोपों का, क्योंकि बाबर ज़्यादातर यहाँ से जो लड़ाई लड़ा है 1526 से, इसमें वो तोपों का इस्तेमाल किया है, जो उस समय ज़माने में पहली बार था.
वो लोगों के लिए एक आश्चर्य जैसा था कि ये कैसी लड़ाई है। वो नीचे से छुप के सब जमीन से ही तोप लगा के सबको उड़ा देते थे और लगभग हर जीत में वो इसी को इस्तेमाल किया था, तोप का ही। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि तोपों के द्वारा युद्ध करने में कौन शासक ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया युद्ध में, तो वो थे बाबर। और उसने अपनी बायोग्राफी जो लिखी है, बायोग्राफी उसका बाबर नामा है, वो टर्की में लिखा है, तुर्की में, तुर्की भाषा में। उसकी जो डेथ हुई वो 1530 ईस्वी में हुई थी। उसका टॉम्ब बना आगरा में, अगर इंडिया में पूछा जाए तो आगरा में, नहीं तो फाइनली वो जहाँ का रहने वाला था काबुल, वहीं पे ले जाके उसका स्थाई रूप से, उसका जो मेन रूप से जो टॉम्ब है वो काबुल में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर का टॉम्ब कहाँ है, तो अगर सिंपली पूछा जाए तो वो काबुल में होगा, अगर इंडिया में पूछा जाए तो वो आगरा में देंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो तोप को लेके बनता है, तोप कौन इस्तेमाल किया था, तो बाबर ने किया था। उसका टॉम्ब कहाँ पे है, आगरा में है। बाबर नामा किस भाषा में थी, तुर्की भाषा में थी। उसकी जो डेथ हुई थी वो 1530 ईस्वी में हो गई थी। तो लगभग 5 साल में इसने बहुत सारे काम किए, 1526 से लेके 1530, केवल 5 साल में ही उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ठीक है। और उसने एक और उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि। वो अपने लोगों के लिए काफ़ी उदार था, जो लूटपाट करता था तो उसमें बहुत सारा हिस्सा वो गरीबों में अपने यहाँ बांट देता था, तो उसकी उदारता के लिए लोग उसको कलंदर की उपाधि दिए थे। तो कलंदर मतलब एक दर्जा होता है बहुत बड़ा, एक दानी का या भगवान टाइप का, इस तरह का गॉड टाइप, तो उसकी उपाधि मिली थी। तो इतने सारे क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं बाबर को रिलेटेड, बाबर से रिलेटेड। तो इतना काफ़ी है बाबर के हिसाब से। इसके लिए एक और हम बता देते हैं, इनके लिए एक जुमला चलता है कुछ इस तरह से कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया से मतलब ये है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जो 1526 ईस्वी में हुई थी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। दूसरी खानवा में हुई थी, खानवा 1527 में राणा सांगा के साथ। अगला हुआ था चंदेरी युद्ध मेदिनी राय के साथ। अगला था घाघरा और उसके बाद वो 1530 में मर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। अगर ये याद रखेंगे आप तो ये क्रम याद रहेगा कि उसकी जो लड़ाइयाँ थी वो किस क्रम में थी इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं हुमायूं की तरफ। राणा सांगा के युद्ध के बाद उसने अपने आप को गाजी की उपाधि दी थी। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के विजय के दौरान ली थी, तो वो राणा सांगा के साथ जो युद्ध जीता था उसमें लिया था। हुमायूं बाबर का पुत्र था, उसने कुछ बिल्डिंग्स की थी, वो दीनपना सिटी बनाया था 1537 ईस्वी में। इसका पहले कार्यकाल देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1530 से 40 और उसके बाद 1555 से 1566। तो सबसे पहले वो 10 साल तक रूल किया 1530 से 40। उसके बाद देश बीच में सूरी का कार्यकाल आता है, शेरशाह सूरी जो काफ़ी महायोद्धा था, तो उसके कार्यकाल के बाद फिर 1555 से लेकर 56 तक सिर्फ एक साल और वो शासन किया। उसके बाद हुमायूं की डेथ हो गई। तो उसने 1530 में राजगद्दी को संभाला मुग़ल सल्तनत की। उसके बाद दीन पना सिटी को बनाया 1533 में दिल्ली में, और उसी के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई थी
जिसका नाम था सेरे मंडल। कुछ लोगों का ये मत है कि सेरे मंडल शेरशाह सूरी ने बनाया था, क्योंकि यहाँ शेर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। शेरशाह सूरी पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे लाइब्रेरी बनवाने का उतना मकसद नहीं समझ में आता। तो हमें जहाँ तक ये लगता है कि सेरे मंडल और हुमायूं जो था वो कुछ शिक्षित था, तो वो लाइब्रेरी बना सकता है। और इसी के सीढ़ियों से बाद में उसकी डेथ भी हुई, सीढ़ी से गिर के 1556 में। तो कुछ इम्पोर्टेंट बैटल थे इसके, जैसे बैटल ऑफ देवरा। बैटल ऑफ देवरा 1531 ईस्वी में हुआ, शेरशाह सूरी के साथ ही। इसमें शेरशाह सूरी की हार हुई और वहीं से शेरशाह सूरी की नज़र में हुमायूं चढ़ गए थे। वो पीछे पड़ गया था कि हम इन्हें हरा के रहेंगे। तो बैटल ऑफ चौसा जो काफ़ी फेमस रहा, चौसा का युद्ध जो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और फिर हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद जो आखिरी लड़ाई हुई कन्नौज और बिलग्राम में 1540 में, 17 मई 1540 को, उस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली दोनों पर कब्जा हो गया और हुमायूं को पूरी तरह से वो खदेड़ दिया। तो 17 मई 1540, तो इसीलिए हमने पहला दिखाया था 1530 से 1540 तक। तो 1540 में 17 मई को हुमायूं को देश छोड़ना पड़ा। तो शेरशाह का आगरा और दिल्ली दोनों पर कब्जा हो गया और शेरशाह दिल्ली पर शासन करने लगा। फिर आखिर में जब वापसी वो किया, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, विजिट ऑफ ईरान। जब वो यहाँ से भागा है तो वो आया ईरान में। ईरान में जब वो गया तो वहाँ के किंग शाह होते हैं जो तमस्सब के नाम से फेमस है, उनकी शरण में गया। तो उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुम लोग, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम लोग का हम भरोसा क्यों करें, तुम लोग मुस्लिम हो, पता नहीं क्या कर सकते हो। तो वो सुन्नी था ओरिजिनली, जो हुमायूं था वो ओरिजिनली सुन्नी था, ओरिजिनल में वो सुन्नी था, लेकिन जो तमस्सब थे वो सिया में थे, सिया के थे। सिया और सुन्नी मुस्लिमों में दो वर्ग होता है, उन्हें आपस में अपने बड़प्पन को लेकर हमेशा होता रहता है। तो इन्होंने कहा, तमस्सब ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें अपने को सुन्नी से सिया बनाना होगा, तभी मैं तुम्हें अपने शरण में लूँगा। तो हुमायूं के पास कोई चारा था नहीं, वो कहीं और जा नहीं सकता था, तो उसे मजबूरी में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ा। तब से जो मुग़ल हैं वो सिया हो गए। इनके पहले सुन्नी थे और उनके जब वो वहाँ से चेंज कर लिया अपने आप को, तब से आगे जितने भी मुग़ल वंश के आए, उनके वंशज, वो सभी सिया में आते हैं। तो आजकल काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हम सिया हैं या सुन्नी हैं या हम मुग़लों के वंशज हैं। तो मुग़ल तो दोनों थे, सुन्नी भी थे, सिया भी थे। तो फिर वो ये कहते हैं कि चूँकि मुग़लों ने सिया को चेंज कर दिया, तो सिया वाले ये कहते हैं कि तो सुन्नी से सिया में उनका कन्वर्जन हो गया। उसके बाद जो तमस्सब थे, उन्हीं के राजदरबार में एक उनके कार्यकारी में थे एक लोग, जिनकी बेटी थी हमीदा बानो, जो एक तरह से मुँह बोली बेटी थी तमस्सब की। उनके साथ इनका वहाँ पे अफेयर हो गया। तो जैसा कि ईरान में ये सब चीज़ें बड़ा वैसी मानी जाती हैं, तो उनका अफेयर हुआ, फिर वो शादी कर लिए। तो उसी के साथ जो ईरान की कोर्ट थी वो काफ़ी सख्त हुई उनके साथ और उनको ईरान से बाहर कर दिया। तो हुमायूं को वहाँ से बाहर कर दिया गया 1541 में। तो लगभग साल भर ही वहाँ टिका होगा वो, 1540 से 1541 में वो शादी करके, शादी होने के बाद हमीदा बानो के साथ, और यही हमीदा बानो है जिनका पुत्र थे अकबर। तो इसी हमीदा बानो के पुत्र थे अकबर। फिर उसे वापस इंडिया में आना पड़ा। तो 1541 के बाद वो वापस इंडिया में आ गया, ठीक है। तो 41 के बाद जब वो इंडिया में आया, तो वो शरण दिया राजा बीरसवाल ने। वो अमरकोट के राजा थे, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। तो
तो 15 अक्टूबर 1542 में उन्हीं के यहाँ बीरसाल, राजा बीरसाल के यहाँ ही अमरकोट में जो है अकबर का जन्म हुआ। जो अकबर का जन्म हुआ वो राजा बीरसाल के यहाँ हुआ 1542 में, जो बाद में अकबर ने काफ़ी मुग़ल के लिए काम किया। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। हुमायूं के कुछ भाई लोग थे, तो हुमायूं ने फिर ये सोचा कि पहले तो हम अकेले थे, कहीं भी घूम जाते थे, कोई दिक्कत नहीं रहता था, अब तो पत्नी वाले हो गए और फिर बच्चे वाले हो गए, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तब तक उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, तो उसने ये सोचा कि अब पार की लड़ाई लड़ी जाए, जिससे हमें अपना शासन भी मिले, क्योंकि मुग़लों के वंश पे सूरी वंश चल रहा था, जो मुग़लों का साम्राज्य था। तो उसने क्या किया कि वो भाइयों को कुछ को मिला रखा था अपने में, उसके चार भाई थे, वो एक खुद था हुमायूं, और एक कामरान था जो लाहौर की सूबेदारी में था, और वो अभी भी वहाँ पे था क्योंकि सूरी वहाँ तक नहीं पहुँचा था, और हिंडाल और अस्करी भी थे, लेकिन वो सरसा सूरी के डर से वो दोनों भी लाहौर में ही चले गए थे कामरान के पास। जब हुमायूं पहुंचता है कामरान के पास, तो वहां देखता है कि हिंडाल और अस्करी पहले से ही वहां पे मौजूद है, तो फिर ये चारों आपस में मिल जाते हैं, शायद सभी का मकसद एक जैसा हो इसलिए। तो कुछ जगह ऐसा आता है कि ये भाई पहले तैयार नहीं होते हैं, तो फिर उनके साथ लड़ाई होती है, तो फिर हुमायूं उनको हराता है कामरान को, तब फिर वो सारे एक साथ आ जाते हैं, और फिर चारों मिल के आखिरी जो बैटल का युद्ध होता है, बैटल होता है सरहिंद का बैटल होता है 1555 में, जो हमने ये पहले बताया था 1555 में। तो उस समय सिकंदर शाह सूरी रहता है, शेर शाह सूरी का बेटा रहता है सिकंदर शाह सूरी, उसको मार दिया जाता है 1555 में, और वहाँ से फिर मुग़ल वंश की संस्थापना एक बार फिर से हो जाती है। तो हुमायूं का जो जीवन था पूरा, वो पूरा लड़खड़ाता हुआ रहा, काफ़ी उसने स्ट्रगल किया, करीब अब देख रहे हैं कि 40 से लेके 55 तक, लगभग 15 साल तक वो इधर उधर करता रहा। तो देख रहे हैं कि अकबर का जन्म हुआ था लगभग, आपका जो जन्म था वो 1542 में था, और 1555 में जाके मुग़ल साम्राज्य फिर से वापस मिला, तो लगभग 13 साल हो गए थे अकबर को, और एक ही साल हुमायूं और रहा, उसके बाद उसकी देहांत हो गई, और वही जो उसने बना रखा था शेरे मंडल, उसी की सीढ़ियों से उतरते हुए वो गिर पड़ा। तो जो लेनपुल था उस समय का एक प्रसिद्ध इतिहासकार, उसने ये कहा था कि हुमायूं हमेशा ज़िंदगी में लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत भी हो गई। तो ये था पूरा हुमायूं के बारे में। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुआ था 25 जून को। जो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ वो 1540 में हुआ था, या फिर वापसी में जब वो रिटर्न आता है इंडिया में, फिर उसका कहाँ वो शरण लेता है, किस राजा के पास, तो राजा बीरसाल हैं, ठीक है। फिर वो जो आखिरी लड़ाई लड़ता है वो सरहिंद में आखिरी बैटल होता है उसका सिकंदर शाह सूरी के साथ। तो यह रहा, इसके बाद जो मुग़लों का शासन होता है वो 1556 से स्टार्ट होता है, जो अकबर ने किया था। लेकिन इस बीच जो 40 से 55 में हुआ, इसका भी कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इस बीच में आते हैं शेरशाह सूरी, तो पहले हम उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, फिर आगे अकबर के बारे में डिस्कशन होगा। तो शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल था वो केवल 40 से 45 तक था, 1540 से 1545 तक, लेकिन इसमें काफ़ी उसने बड़े बड़े काम किए हैं, जो 5 साल में दिखता है कि वाकई में इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जितना सिकंदर शाह सूरी ने 10 साल में उनका काम नहीं दिखा, जितना इसका 5 साल में। ये काफ़ी प्रतिभावान था, काफ़ी जबरदस्त योद्धा भी था, जिसने हुमायूं को छक्के छोड़ा दिए लगभग सभी युद्ध में। इसका जो रियल नाम था वो फरीद खान था, फरीद खान, बाद में इसको शेर खान की उपाधि मिली, और वो उपाधि दिया था इसको शाह लोहानी ने, शाह लोहानी या मोहम्मद बखार खान लोहानी। ये एक बार शिकार करने गया था, तो जब वो शिकार करने गया था तो एकाएक शेर उसके ऊपर झपट्टा मारा, तो उसके साथ उस समय शेर ये था फरीद खान, जो कि उस समय केवल 12 साल का था, केवल 12 साल का था, और वो शेर को तलवार से अपने एक ही झटके में अलग कर देता है शेर के धड़ को,
तो उसकी वीरता को देख के खुश होकर जो लोहानी था उसने उसका नाम रख दिया था शेर खां। तो उसको एक अलग नाम मिला शेर खां लोहानी के द्वारा। उसके जो फादर थे वो हसन खान, जो पिता थे सासाराम बिहार के रहने वाले। और चौसा की लड़ाई जो उसने 1539 में लड़ी थी हुमायूं के खिलाफ, 1539 में, उसके बाद जब वो जीत गया तो वो टाइटल एक्सेप्ट किया था शेरशाह का। शेरशाह का टाइटल वो कब लिया ये भी पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप बता सकते हैं कि चौसा के युद्ध के बाद उसने टाइटल लिया था शेरशाह का। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी उसी के कार्यकाल के समय थे लेखक जिन्होंने ये लिखा पद्मावत, जो काफ़ी फेमस थी उस दौरान। जो आजकल हम लोग रुपया देखते हैं, जो रुपया चलता है, सबसे पहले रुपया चलाने वाला शेरशाह सूरी ही था। इसने रुपया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इसने जो रुपया को इंट्रोड्यूस किया उसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों तरह के थे सबसे पहले उसने। लेकिन जब पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा किया, तो सबसे पहले उसने सिल्वर को किया था। तो सिल्वर जो किया था, सिल्वर का जो वेट था वो 178 ग्रेन का था उस समय। और ग्रेन और ग्राम में बहुत अंतर है। ग्रेन जो होता है, 1 ग्रेन इक्वल टू होता है 0.6 ग्राम। तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो था सिल्वर वो कितने ग्राम का था। और उसने कुछ किले बनवाए थे जो, तो एक कभी पूछने घुमाने के लिए पूछता है तो किले कुहाना पूछ देता है, या ओल्ड फोर्ट पूछेगा दिल्ली का तो यही बनाया है शेरशाह सूरी ने, या कभी बहुत घुमाने के लिए पूछेगा तो किला कुना पूछ देता है या कुहाना। तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। फिर ग्राउंड ट्रैक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे उत्तर पथ, तो जानते रहिए, कभी कभी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे तो जीटी रोड को ही हम उत्तर पथ भी बोलते हैं, शाह राह आजम भी बोलते हैं, सड़के आजम भी बोलते हैं, या उसी को बादशाही रोड भी बोलते हैं, या बादशाही सड़क, या उसी को द लॉन्ग वॉक भी बोलते हैं, द लॉन्ग वॉक भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी नाम थे जीटी रोड के। जो ये रोड शुरू हुई थी वो सोनार रोड से शुरू हुआ था, और ये हमारा बांग्लादेश में है, और वो गया है रोड ये पेशावर तक जो पाकिस्तान में है, जो कि इसका छोर अब दोनों ही भारत में नहीं है, एक तो बांग्लादेश में चला गया है सोनार रोड, और दूसरा पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। तो जो ग्रैंडटक रोड है जीटी रोड वो हमारे देश में बीचों बीच है, उसका जो और छोर सारा दूसरे देशों में चला गया है, एक बांग्लादेश में है और दूसरा पाकिस्तान में है। उसकी जो डेथ थी वो हुई थी 1945 में, तो बहुत जल्दी उसका डेथ हो गया। तो वो अपनी ही लापरवाही के कारण हो गया, जो उसके लड़ाके थे उनके पास जो तोपें थी, तो कलिंजर की लड़ाई को जीत चुका था। उस लड़ाई के दौरान जो उसके तोपची थे वो कुछ इस तरह से सही से मैनेज नहीं कर पाए, जो उन्होंने तोप चलाया वो इसी के ऊपर चल गया, शेरशाह सूरी के ऊपर ही, तो इससे इसकी मौत हो गई। नहीं तो आगे बहुत कुछ इसका आता जो हमें देखने को मिलता, लेकिन वो अपनी ही गलती की वजह से, क्योंकि इसके जो लड़ाके थे वो उतने सक्षम नहीं थे, अच्छे तरीके से नहीं थे, जिन्हें सही से पता हो कि नहीं उसको किस डायरेक्शन में किधर छोड़ना है, तो वो उनके मौत का कारण बना। उनका टम्ब पूछता है कहाँ है, तो उसका टम्ब है हुमायूं का सासाराम में, जहाँ का वो रहने वाला था वहीं पर उसका टम्ब भी है। तो शेरशाह सूरी ने 5 साल में काफ़ी काम किया। फिर 1545 के बाद का जो 1545 से 1555 तक और रहा सूरी वंश, जिसमें सिकंदर शाह सूरी इसके बेटे ने काम किया। फिर सिकंदर शाह सूरी को हराकर हुमायूं फिर से मुग़ल सल्तनत को बनाता है। फिर उसके बाद अकबर की कहानी आती है, फिर जहांगीर, फिर उसके बाद अब शाहजहाँ, और फिर औरंगजेब। ये सारा है मुग़ल साम्राज्य। ये काफ़ी बड़ा है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।